अस्सलामुअलैकुम माई डी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर शाम का वक्त हो रहा है और मैं बना रही हूँ चाय, जैसा कि आप भी देख रहे हैं। और मैंने बस यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। और यहाँ पर ये है फ्राइडे की शाम और भाई घर पर थे नहीं, मैं और दानी और शायान भी आया हुआ था, तो हम लोग बस तीन ही थे और बस हम लोग चाय बना रहे थे। बस ज़्यादा नहीं बनाना, थोड़ा ही बनाना था। और यहाँ पर मैं दूध वाला आया था तो दूध भी बॉयल कर रही थी जहान के लिए, तो आप भाभी ने रात में आ जाना था। तो ये सेकंड डे का व्लॉग, ये सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है हमारा। और यहाँ पर आप ही जो है वो ये यहाँ भी शाम का ही वक्त है और आप ही जो है यहाँ पर दावत के लिए तैयारी कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इन लॉज को इनवाइट किया था। डिनर टाइम में उनको आना था और बस यहाँ पर वो बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हैं और कुछ अलग तरीके से बिरयानी जो है वो बना रही थी। मुझे भी मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड भी कर लेते थोड़ा थोड़ा। कोरमा जो उन्होंने तैयार कर लिया था पहले ही, बस कोरमे में ये ऐड करना था टमाटर, मोटी मिर्च और हरी धनिया, पुदीना वगैरह, इसे बिल्कुल मिक्स कर ग्लैंड कर लेना और बिल्कुल थिक फॉर्म करके उसको ना कोरमे में ऐड कर देंगे। तो अभी आप करती जाएंगी यहाँ पर और आप भी देखते जाएँ। और बस यार कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा उदास रह रही हूँ आजकल। मुझे कोई भी वो नहीं हो रहा है कि मैं कुछ करूँ, ना कोई लाइक करता है, ना शेयर, ना कमेंट, कुछ भी नहीं करता है और ना ही कोई सब्सक्राइब करता है। यार क्या हो गया, कुछ तो करो करो यार। खैर आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। उम्मीद कहते हैं ना वो, मतलब बेउम्मीद नहीं होनी चाहिए इंसान को, मतलब ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए इंसान को। सॉरी मैं भी क्या बोलती जा रही हूँ। तो यहाँ पर दही भी ऐड कर रही थी यहाँ पर, तो दही भी ऐड करना है अगर आपको ऐसा बनाना है तो। कोरमे में ऐसा कुछ मसाला नहीं था, बस हरी पिसे मिर्च हल्दी वगैरह जो होता है, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, ये सब ऐड कर दी थी। और लास्ट पे दोबारा से बिरयानी मसाला उन्होंने ऐड किया था। तो आप भी देखें अगर आपको अच्छा लगे। वैसे इसकी जो टेस्ट है ना, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा कोई मज़े का था, ऐसा नहीं लग रहा था कि घर में बना था, ऐसा लग रहा था कि बाहर का खाना है। बहुत ज़्यादा यमी बना था और इसका जो कलर था खाने का वो भी आहा क्या कलर आया था। तो आप ही कलर ऐड नहीं करती बिरयानी, वैसे कि ज़ाफ़रान कलर जो वगैरह होता है ना, वो फूड कलर वो ऐड नहीं करती, वैसे उनका कलर बिरयानी के इतना ज़बरदस्त हो जाता है। और यहाँ पर आप ही ने कहा कि मेरी थोड़ी हेल्प ही करा दो यार, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अपना रिकॉर्ड भी खरीदी साथ साथ, तो फलक को मैंने मोबाइल जो है वो पकड़ा दिया आप ही की बड़ी वाली बेटी को। और यहाँ पर मैं सैलड बना रही हूँ, सैलड बनाई और उसने मोबाइल इतने करीब कर लिया कि मैं भी कोई हाथ ही नज़र आ रही और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। खैर यहाँ पर जो है वो सैलेड बना रही हूँ मैं, और आगे आगे आप भी देखें क्या क्या होता है और फिर चले जी मेरे साथ ही रहें। ओके जनाब आप देख रहे हैं मैंने बहुत स्पीड में काम कर लिया। खैर मैंने तो ये से बहुत स्पीड किया हुआ है और यहाँ पर मेरा जो है वो सैलेड भी कंप्लीट हो ही चुका है। और आप ही ने भी कोरमे में जो ब्लेंड किया था सारा कुछ मसाला, तो वो भी ऐड करते हुए आपने देखा होगा। और साथ में कोरमा मसाला और बिरयानी मसाला थोड़ा सा ऐड किया था, बस उसके अलावा तो कोरमा उनका रेडी हो ही चुका था पहले ही। तो बस यहाँ पर मेरा जो है वो सैलेड भी रेडी है ही समझ लें, और बस आगे चलते हैं, देखते हैं आप ही क्या कर रही हैं। और आप ही जो है फ़िलहाल अभी चावल जो है वो बॉयल करने का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हैं, क्योंकि चावल भी बॉयल करना था। और बस यहाँ चावल में कुछ नहीं डाला था, ज़ीरा डाला था, नमक डाला था, पानी डाला था और हरी मिर्च वगैरह जो होता है वो डाला था खुशबू के लिए। और यहाँ पर फरहान भाई जो एप्पल कटिंग कर रहे थे, और चलें देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। क्या थे ये दीदी बाजी यार, खाना बनाना आते ही नहीं है। नहीं ये है वो इंसान जिसे एप्पल काटने नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ तक आपने देखा मैंने रियल वॉइस आपको तो सुनाया, क्योंकि थोड़ा फ़नी सा हो गया था वहाँ पर। और बस यहाँ पर हम जो है वो चावल, मैं और आप भी, मैं तो खैर रिपोर्ट करने में लगी हुई थी, आप ही जो है चावल जो है बॉयल हो चुका था, पानी बॉयल हो चुका था, उसको जो है वो चावल ऐड कर रही थी। और साथ ही साथ कलर कितना खूबसूरत आया आप चेक करें, ग्रीन ग्रीन सा, और खुशबू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था।
तो बस यहाँ पर चावल बॉयल करने का हम वेट कर रहे हैं, और चावल ज़्यादा था तो आप ही जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो निकाल रही थी ताकि हाथ वगैरह ना जले और चावल भी जो है वो गीला ना हो। बस गीला होने का डर होता, बाकी बिरयानी तो बहुत मज़े का बना था। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर जो है चावल बॉयल हो चुका है, ये आप चेक करें आप ही कैसे आराम आराम से निकाल, क्योंकि चावल तो ज़्यादा था और इसे स्टेप स्टेप करके निकालना था, क्योंकि एक साथ निकालने से हाथ वगैरह जलने का डर होता है। तो यहाँ पर चावलों का काम भी कंप्लीट हो चुका था, बस अब लेयर्स की बारी है, और लेयर्स लगाते हैं हम। और आप मेरे साथ ही रहिएगा, आप भी ज़रूर देखें और लाइक भी कर दें प्लीज़, सब्सक्राइब तो करना ही करना लाजमी। चलिए जी आए जी देखते हैं। यहाँ पर पता है आप ही ने मुझे क्या कहा था, कहा था कि तुम यहाँ खड़ी हो मुझे बस याद दिला देना कि आलू भी मुझे ऐड करना, क्योंकि अक्सर ये होता है ना आलू हम लोग भूल जाते हैं, लास्ट में याद आता है अबे यार आलू भी तो हमें ऐड करना था। खैर यहाँ पर आप ही को याद ही था, लेकिन फिर भी मैंने याद दिला दी कि आलू भी ऐड करना है, तो कह रही हाँ मुझे याद है ना। तो बस यहाँ पर जो है लेयर्स भी लग रहा है, यानी कि डन होने ही वाला है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप ही जो है लेयर्स जो है वो लगा रही हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी साथ साथ ऐड कर रही हैं, और अजीना मोतो जो आपको पता है कि चाइनीज सॉल्ट वो भी ऐड कर रही हैं साथ ही साथ, ताकि उसका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बिरयानी में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इसका। तो आप पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं, सबका अपना अलग अलग स्टाइल होता है बनाने का। तो खैर आप ही ऐसे बना रही हैं, अब भाभी भी कुछ अलग तरीके से बनाती हैं, सबका अलग अलग होता है, तो हर कोई अलग ही बनाता है, मैं भी कुछ अलग ही बनाती हूँ। तो मुझे ये वाला स्टाइल आप ही का अच्छा लगा, मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी आप ही वाला ये स्टाइल, क्या पता मुझसे सही बने नहीं बने मैं, लेकिन ज़रूर ट्राई करूँगी फ़िलहाल। तो यहाँ पर ये स्टेप वाला काम भी हो गया है, और बस ये होता है, उसके बाद गेस्ट भी आ ही गए, ये आप ही जो है दम में लगाकर छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, मैक्सिमम 30 मिनट के लिए रखा था दम में, और बिल्कुल लाइट फ्लो मीडियम में ना उसमें बिल्कुल उसमें छोड़ा था दम में। और यहाँ पर जो ब्राउन अनियन रखा था उसको भी ऊपर से जो है वो गार्निशिंग तौर पर रख दिया था, और काफ़ी अच्छा यमी बना था। और बस आगे चलें देखते हैं क्या होता है, और बच्चे तो महा उपद्रव, आप चेक करें कितनी ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे हैं, और आप ही की देवरानी का बेटा वगैरह भी है, और मेरे घर के ही बच्चे हैं, और बस यहाँ पर इन लोगों की मस्तियाँ शुरू हो गई है, मैंने इन लोगों की भी कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, तो आप देखें और ज़रूर इंजॉय करें। पता है क्या हुआ था यहाँ पर, ये हुआ था आप ही ने मुझे सैलेड बनाने के लिए कहा था जो मैं बना रही थी, आपने देखा फर्स्ट उसमें शुरू में, तो यहाँ पर मैंने ना टमाटर कटिंग करना बिल्कुल मैं भूल गई थी, मेरे जहन में नहीं था, और लास्ट में मसाला तो ऐड करना था, जैसे नमक हो गया, चाट मसाला हो गया, और दही वगैरह लास्ट में डालना था, बट कटिंग वगैरह काम तो है वो पहले करना था, मैंने सिर्फ खीरा और प्याज जो कटिंग किया था, बाकी टमाटर मैं भूल ही गई थी बिल्कुल, नहीं मुझे कटिंग करना। आप ही कह यार ये तो मैं भूल गई थी, मैंने हाँ मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं था। खैर आप ही कटिंग कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करने में दोबारा से लग गई, और यहाँ सारा मसाला भी मिक्स हो गया है, और बस आगे बस यहाँ खाना निकालने का जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट हो चुका है हमारा, और अब निकालेंगे दिखाएंगे आप ही देखिए। और बस दावत ऐसी होती है, मेहमान आ गए, बस थोड़ी देर बैठे, हाल चाल अहवाल वगैरह हुआ, उसके बाद चलो भाई डिनर टाइम, डिनर स्टार्ट। यहाँ पर डिनर चावल मिक्स करने की बारी आ गई, और आप ही यहाँ पर चावल मिक्स कर रही हैं, और देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है। वैसे तो आप ही बिल्कुल भी फूड कलर ऐड नहीं की थी इसमें, जैसे ज़ैफ़रान कलर कहते हैं वो ऐड बिल्कुल भी नहीं की थी, और कलर वैसे ही इतना खूबसूरत आ गया था। और बस आप सिर्फ आलू में ज़रा सा आप ही ने लाइट सा कलर जो है वो ऐड किया था बॉयल करते वक्त, तो आलू तो है वो अलग से बॉयल होती है ना, तो बस वहाँ पे कलर थोड़ा सा ऐड किया था, बाकी चावलों में बिल्कुल भी कलर नहीं दिया था, क्योंकि उनके हस्बैंड को बिल्कुल ही पसंद नहीं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करती हैं। तो बस यहाँ पर ये मिक्स हो गया है, और अब हम लोग खाना वगैरह जो है वो सर्व करेंगे, मेहमानों को पेश करेंगे, और चले जी निकालते हैं, और आप भी देखें और इन्जॉय करें। Oh,
बस जी यहाँ पर सब जो है डिनर कर चुके थे और बस यहाँ हम लोग लास्ट में बैठे थे और बहनों भी हमारे साथ बैठ गए थे क्योंकि उस टाइम वो थोड़े बिजी थे तो वो नहीं कर रहे थे डिनर, तो यहाँ पर बस हम लोग कुछ ही लोग थे और बस यहाँ पर डिनर वगैरह करेंगे और अपना व्लॉग भी मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दें। यार मैं बहुत सैड हो रही हूँ आजकल, पता नहीं क्यों मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, ना ही कोई लाइक कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। खैर कर दिया करें यार, फ्री में तो होता कौन से पैसे लगते। चले जी मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।